माथा भरा था खून से सर परिदा पर जैना पुकार किसके लहू से जबी हला तुम पर तो आ सफ़र करबला जै से बोल फातिमा कुछ याद तो करो किस दुख में किस जगह मैं शरीक बुका उष्टर से तो गिरी थी जो लाश पभा के क्या बाल खोले लाश या बाल खोल बसता ब मारिया और वसता बश जय न भुषे से कहीं जै राजुदा छोड़ा मेरे बच्चे को जंगल में बे कफा, खाबिल कफन के लाल मुसाफिर फिर हबिल कफन के की अर्ज के दफ नाचिक स्तरा अम्मा, अम्मा खुदा, खुदा गवाके सर पर अम्मा खुदा, खुदा थरा के उठी थाम कर रसार खबरे नबी पाफाते आखरी पड़ा हम सायों के घर गई रुखसत को और कहा लो साहिबो बहल करो आपको जय लो साहिबो बहल करो आपको जय मेरा जात तुम सबों को मेरे शोर व शेर से कल्पात माना, माना होगी तुम सोना चाहे अल्पात माना होगी तुम सोना चाह के हक से आगा है जहां लोगो मेरे यतीमों से रहना निगाबा अब साथ उनका तुम्हारा हम कहाँ बिन माँ की होती है मेरी दुखियारी माँ की होती है मेरी दुखियारी दुख्यारी तो बचपन पाप अपने बच्चों के आसूबहती हो तो तुम पर हसन को मैं छोड़े तुम पर हसन को मैं छोड़े जाओ कर कभी हसन को गले से लगा लिया आगोश में हुसैन को गाहे बिठा लिया रुखसत किया किसी को किसी को बुला लिया पढ़ने के वास्ते भी उड़ने के वास्ते लिया कहती थी गा बच्चों से अपना मोड़ के कल सोने घर में सोना है बस्ती को छोड़ कल सोने घर में सोना है बस्ती को छो के सुन लो वसीयत मेरी इस वक्त या माँ फिज़ा से मेरे बाद अदालत से ले न का होशियार फातमा की अमानस से सो बो शाम दो बेटियाँ दो बेटे बदर खुदा दो बेटियाँ दो बेटे बदुर खुदा कर मैंने बड़े दुखों से ये सो बचे पाल हवाले तुमारे हवाे हवाले तुमारे हवा सब हा शमी कसबेरी असमत की खात मुझको अरब के रस्म से अंदेश आते हैं औरत का मुर्दा तख्त पर रख कर उठाते हैं आसार उसमें मुर्दे के जा। आसार उसमें मुर्दे के सो पाए देती हूँ मैं खसम तुम्हें रूहे है की वाली नाय भाई मय बतो वाली नो भाई मय बतो है अर्जु के खबर में मुझको हस लिटा शबीर मेरे मुर्दे का मुकीब को फिरा फिर खुद कहा नहीं नहीं बच्चा है डर न ना जाए नागा गा। ना खेलते हुए दोनों यदि नागा खेलते हुए दोनों छाती लगा के बोली के लो हम तो मारते हैं तुमसे सुनो देखिए क्या लोग तुमसे सुनो देखिए क्या लोग की जहरा ने ये कहा तो हूँ ज्यादा नजर न मुझे रुला कुछ भाइयों के सोपने का समझी मो दुआ तो उनकी रोने वाली है तो उनकी रोने वाली तेरे फिर क्या बस मेरा जो मर्जी है परवरदिगार है जैना तमाम कुंभ की तो सो गैना तमाम की तो ये कहे किथि के कशरे दिया मौत का प्यार जरे से निकले रो देवे आखरों बा तमाम तरतीब नाश के लिए बाहर गए इमाम या मुसल्ले किया सरा ने या मुसल्ले में अपना किया, ने या पे अपना किया। लिखा है बस नमा शा की अदा हुई हर गोल के ढागे नबी की खुदा हर गोल के ढागे बिंदे की खुदा हर गोल के ढागे बिंदे नबी की खुदा माथा हसन ने मुर्दे के माथे पर दिया रो रो के अम्मा और से अपने माथे को शब्बीर ने मला पाँव में धपना पाया तो पाओ में, में धमना पाया तो पाँव में, में धमना पाया तो, तो एक

आपसे गुजारिश है एक बार सोरे फातहा और तीन बार शोर हम की तलावा फरमा कर मरहुमा हुसैनी बेगम बिनते मिर्ज़ा गुलाम अब्बास साहब मरहूम की रूह को इस أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومطهر قلوبنا مولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا वनसिन <coughs> इंसान की पूरी ज़िंदगी कदो काविश और किसी न किसी मकसद और हदफ़ के लिए उसकी दौड़ भाग में गुज़र जाती है हर लम्हा इंसान किसी न किसी एक कोशिश में लगा हुआ है जिसको देखिए बिज़ी है किसी न किसी काम में मसरूफ है न सिर्फ़ मसरूफ़ है उसकी कोशिश ये है कि वो कुछ हासिल कर ले नेचुरल बात है हर इंसान किसी न किसी कोशिश में लगा हुआ है मगर ये जो कोशिशें हैं कोई भी कोशिश करने से पहले इंसान अगर किसी काम में बिज़ी है कि मैं बिज़ी हूँ तो अगर उसको मालूम नहीं कि किस काम में बिज़ी है तो आप उसको अक्लमंद नहीं कह सकते कि तुम बिज़ी हो किस काम में बिज़ी हो ये पता नहीं या किस लिए बिज़ी हो ये मालूम नहीं तो बिज़ी होने से पहले ये तय करना होता है कि किस काम के लिए इंसान बिज़ी है यानी एक हदफ़ तय करे एक टारगेट रखे उस टारगेट के मुताबिक अपने कदम आगे बढ़ाए उसी कदम आगे बढ़ाने को कोशिश कहते हैं इस कोशिश को इस काविश को इस स्ट्रगल को अरबी में जहद कहता है जहद उर्दू में भी आप इसको इस्तेमाल करते हैं जद्दोजहद बड़ी जद्दोजहद कर रहे हैं जद्दोजहद मतलब यही जहद कोशिश बड़ी कोशिश कर रहे हैं किसी काम के लिए कोशिश कर रहे हैं इसी जहद से जिहाद है तो आप ही नहीं कहते कि जिहाद कर रहे हैं किसी काम के लिए आप नहीं कहते कि जिहाद कर रहे हैं जहद कर रहे हैं कोशिश कर रहे हैं लेकिन जहद और कोशिश किस लिए कर रहे हैं किस राह में कर रहे हैं किस रास्ते में कर रहे हैं ये हर शख्स अपना एक रास्ता तय कर लेता है और उस पर चलता रहता है बहुत कम है पूरी दुनिया में कम गिनती के चंद लोग होंगे जो अपनी जद्दोजहद में कामयाब हो जाते हैं बहुत बड़ी अक्सरियत इंसानों की वो है जो अपनी जद्दोजहद में नाकाम रहते हैं अच्छा जो कामयाब होते हैं उनमें भी एक बहुत बड़ी परसेंटेज उन लोगों की है जो बाय चांस कामयाब हो जाते हैं यानी उनकी कामयाबी उनके जद्दोजहद की बिना पर नहीं होती इसका मतलब ये नहीं कि जद्दोजहद का कोई असर नहीं होता ये नहीं मक़द हमारा जी नहीं जद्दोजहद का बहुत असर होता है लई सल इंसान कुरान कह रहा है कि इंसान को कुछ मिलता ही नहीं मगर वो जिसकी वो कोशिश करता है जो वो कोशिश करता है वो उसको मिलता है लेकिन जद्दोजहद में यह है कोशिश कोशिश में मिलता तो है लेकिन उसकी कोशिश में और उसके एम्बिशंस में जो फासला है वो है सारा प्रॉब्लम उसकी जो उम्मीदें हैं और जो टारगेट तय करता है उसमें और उसकी कोशिश में एक फासला है कि जहां वो कोशिश करता रहता है पहुंचना चाहता है वहां लेकिन नहीं पहुंच पाता पहुंच गया तो और वहां पहुंचना चाहता है वहां पहुंच गया तो और भी आगे जाना चाहता है अच्छी बात है मगर ये अच्छी बात कब है जब वो टारगेट अच्छा हो जहां पहुंचना चाहता है अगर टारगेट गलत है तो फिर ये कोशिश भी गलत हो जाती है बस इतनी तमहद के बाद मैं आपके सामने वो आयत पढ़ रहा हूं जो आपने कल पढ़ी क्या वजह है के पूरे साल में जो सबसे अहम रात है सबसे अजीम रात है जिस रात में कुरान नाजिल हुआ कोई सूरा नहीं कुरान नाजिल हुआ उस रात में मुस्तहब है कि तीन सूर पढ़े जाए जिनमें पहला सूरह सूर्य अनकबूत है इन तीन सूरों के इंतखाब की कोई तो वजह होगी आप सोचे ना कि जिस रात में पूरा कुरान नाजिल हुआ है मुस्तहब होना चाहिए था पूरा कुरान पढ़ना वो मुमकिन नहीं है तो कहा भी तीन बार क्लोल्ला पढ़ लो चलो सवाब पूरे कुरान का मिल जाएगा ये हो जाता वो भी नहीं है सूर जो अलहम पढ़ लो इसलिए कि सूर्य जो है वो खुलासे कुरान है वो सवाब मिल जाएगा नहीं वो बात भी नहीं है तुमको तीन सूर्य पढ़ने ही वाले सूर्य अनकबूत सुर रूम सुरह दुखान पढ़ते हैं कोई भी चीज़ इस्लाम में बगैर सबब के नहीं है कि हाँ ठीक है ये कर लो तो कर रहे हैं उसके पीछे कोई ना कोई हिकमत है क्योंकि शब कदर में अल्लाह डस्टिनी मुन करता है इंसान की किस्मत और मुकद्दर मुन होता है शब कद्र में तो इससे पहले के शब कदर में ये किस्मत और मुकद्दर अल्लाह तय करे तुम्हारा तुम पहले वो रास्ते देख लो कि जिस पर चलने की बुनियाद पर तुम्हारा मुकद्दर कहीं से कहीं जा सकता है तुमको तो मालूम होना चाहिए कि भाई मुकद्दर बनता कैसे है और किस तरह अल्लाह बनाता है मुकद्दर। तो अनकबूत पहला है उसके मैंने आखिरी आयत आपके सामने इस वक्त पढ़ी आखिरी आयत आयत नंबर सिक्सटी नाइन सिक्सटी नाइन आयते हैं और आखिरी आयत है ये फीना जो लोग हमारे रास्ते में हमारे लिए कोशिश और काविश करते रहते हैं व लदीन जो लोग हमारे लिए कोशिश में स्ट्रगल में लगे रहते हैं सुबुलना हम यकीनन उनको अपने रास्ते की निशानदेही करेंगे हम बता देंगे ये है सही रास्ता क्योंकि तुम हमारे रास्ते में हमारी वजह से हमारे लिए हम तक पहुंचने के लिए तुम कोशिश कर रहे हो जब तुम हम तक पहुंचने के लिए कोशिश कर रहे हो तो हम तुमको रास्ता भी बताएंगे इसका मतलब है कि रास्ता अल्लाह हर एक को नहीं बताता उसी को बताता है जो रास्ते तक पहुंचने की कोशिश करता है और आम कोशिश नहीं बल्कि जिहाद की हद तक कोशिश करता है कि उसको जाहदू फीना कहा जा सके कि जिहाद कर रहा अल्लाह की राह में जिहाद का मतलब सिर्फ तलवार लेके दुश्मन पर हमला करने का नाम नहीं है जिहाद सिर्फ इसी को जिहाद नहीं कहते जिहाद यह है कि आपकी पूरी जिंदगी जिहाद में गुजरे पूरी जिंदगी जिहाद हो और आप उस जिहाद में उस स्ट्रगल में स्ट्राइविंग इन द वे ऑफ अल्लाह यह मुकम्मल आपकी जिंदगी जहां जिहाद बने फीना सुबुलना यकीनन हम उनको अपने रास्ते दिखा देंगे हम अपने रास्तों की हिदायत करेंगे तो हिदायत के रास्ते मिलते हैं मगर सिर्फ दुआ करने से नहीं मिलते एहदिन सरातल मुस्तकीम दुआ कर ली तो मिल गए नहीं उस रास्ते के लिए जिसके लिए आप दुआ कर रहे हैं उसके लिए कोशिश भी करनी है सख्तरीन तरीन कोशिश करनी है कि हमको रास्ता मिल जाए अब ये देखना है कि इंसान जो सब बहुत शदीद कोशिशें कर रहा है किन रास्तों को हासिल करने की कोशिश कर रहा है उसका टारगेट क्या है उसका गोल क्या है कितना महदूद है अपने जहन के एतबार से वो बहुत ही लामहदूद गोल बनाता है मगर जिस दायरे में वह लामहदूद तस्वुरात होते हैं वो दायरा दुनिया बहुत ही छोटी है वो बहुत ही महदूद है अपने जहन में उसके फिक्र में तरक्की के जो जीने हैं इंसान के हर इंसान के वो लामहदूद है मगर उसकी उम्र महदूद है उसका वो मैदान स्ट्रगल का महदूद है हर चीज़ महदूद है अल्लाह कहता है कि मैं तुम्हारे लिए रास्ते खोलना हूं। आओ तुम हमारे राह में कोशिश करके देखो जब कोशिश करोगे हम तुमको रास्ते दिखाएंगे उम्मीद मत हो मगर तुम्हारा टारगेट सही होना चाहिए हमारे रास्ते में कोशिश करो जब तुम हमारे रास्ते में कोशिश करोगे तो रास्ते क्या मतलब इन अल्लाह लमासिन आयत यहाँ खत्म बल्कि पूरा सूरा यहाँ खत्म होता है यकीन अल्लाह मोहसिन के साथ है यकीन अल्लाह उन लोगों के साथ है जो नेक काम अंजाम देते हैं जो एहसान करते हैं अल्लाह उनके साथ है। आयत यहां खत्म होती है पूरा सूरा यहां खत्म हो गया तो जद्दोजहद नतीजा जद्दोजहद ज़्द जद्दोजहद का गोल और मकसद हदफ इन सब को आखिरी आयत में बयान किया गया अब जाहिर पूरे सोरे पर गुफ्तु नहीं कर सकता इस वक्त लेकिन आप इस आखिरी आयत को पहली आयत से मिला दीजिए तो बात बिल्कुल और क्लियर हो जाएगी सूरह अनकबूत कैसे शुरू होता है बिस्मिल्लाह फ्लामी रहीम अलीम से देखिये शबिक कदम में पढ़ रहे हैं आप ये सूरा आपको कदर में पढ़ना है जहां मुकद्दर बनने वाला है पूरे साल के लिए हमारा मुकद्दर तय होगा उसमें हम ये सूरा पढ़ रहे हैं और हमसे कहा जा रहा है कि ठीक है कुरान तो पूरा नाजिल हुआ है मगर पढ़ो ये वाला सूरा शुरू क्या हो रहा है इससे अलिफ लाम मीम आखिरी आयत मैंने पहले पढ़ दी अलिफ लाम मीम इसके क्या माने हैं अगर सिर्फ अल्लाह इसके माने जानता है सिर्फ सिर्फ खुदा ही को मालूम है और किसी को नहीं मालूम तो उसने किताब में उतारा क्यों अपने पास रखता वो चीज कि जो सिर्फ उसको मालूम है अगर किसी और को भी मालूम है Allah के अलावा तो इससे पहले कि तुम्हारा मुकद्दर बने उसको पहचानो कि वो कौन है कि जो इसके मफहूम से वाकिफ है वो और सिर्फ अल्लाह वो कौन है बस ये कौन है का जवाब जब तुमको मिल जाए तो यहीं से तुम्हारा मुकद्दर बनना शुरू हो गया सलाह भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद अलीफलामीम एक ऐसी आयत शुरू हो रहा है जिसका कोई ट्रांसलेशन ही नहीं है यही जहन को झंझोड़ दिया इसकी जगह जब एक कदर में आके रात से लेकर और मगरिब से लेकर और फज्र तक अमाल कर रहे हो तो अमल के गुरूर में मत आ जाना नमाजों के गुरूर में मत आ जाना तुम्हें उनसे जुदा नहीं पहला पहला जिक्र उन्हीं का होना है स्टार्ट वहीं से होना है उन लोगों से जिनके पास इलमी किताब है रासू नो राफिल है वो जानते फिल्मी का मतलब क्या है तो ठीक है हमने तो तर्जुमा वही किया अलिफ लामीं, अलिफ लामीं। यही क्या लोग ये समझते हैं ईमानदारी से सोचिए अगर सिर्फ इस आयत पे शब कदर में एक इंसान गौर कर लेना इस आयत पे गौर करते ही मुकदर बन गया उसका नहीं मुकद्दर वैसे नहीं बनता कि अल्लाह ने लिख दिया भाई इसको यूं लिख दो इसको यूं लिख दो इंसान का मुकद्दर इंसान की काविशों की बुनियाद पर बनाया जाता है वरना तो इंसान का मुकद्दर अल्लाह ने उसी वक्त तय कर दिया है कि जब वो पैदा हुआ है लेकिन उसके लिए ऐसा मुकद्दर नहीं बनाया है कि जो चेंज नहीं हो सकता उसको आज़ादी दे दी कि तुम चाहो तो उसको जिस तरह जिस तरह चाहो अपने मुकद्दर खुद बना लोहसी बन्नास क्या लोग ये समझते हैं आई कि उनको छोड़ दिया जाएगा आई यकूलू कि अल्लाह हम ईमान ले आए उन्होंने कहा हम ईमान ले आए हम मोमिन हैं उनको छोड़ दो भाई ये मोमिन है माशाल्लाह छोड़ दो अब इनको मत इसलिए कि ये मोमिन है क्या लोग ये समझते हैं कि उनको इस बात पर छोड़ दिया जाएगा कि वो ये दावा करें कि हम मोमिन हैं वह लायुफ्तनू और उनका इम्तहान नहीं लिया जाएगा जी नहीं ऐसा कुछ नहीं है इस ख्याल में मत रहना कि शब कदर में आमाल करने आए हम हैं बस अब हमारा मुकद्दर सही हो जाएगा बेशक होगा वादा इलाही है दुआ करो दुआएं कबूल होती हैं इस पूरे महीने में दुआएं कबूल होती हैं कौन करा नहीं होता लेकिन हर चीज के उसूल समझो क्या इंसान को देखें सूर्य कबूत कहां से शुरू हो रहा है इम्तिहान के तस्करे से खत्म कहां हो रहा है जद्दोजहद और काविश के तस्करे पर इसका मतलब यह कि इम्तिहान में कामयाबी इसी बात पर मुनहस है कि इंसान अपनी कोशिश और काविश अल्लाह के राह में जारी रखे और इसी का नाम जिहाद जिंदगी है शुरू करे जिंदगी इम्तिहान के साथ ज़िंदगी पूरी गुजारे जद्दोजहद और कोशिश के साथ हिम्मत के साथ घबराओ नहीं बड़े से बड़े इम्तहान हो सकते हैं तुम्हारे सामने आ सकते हैं कोई भी परेशानी आ सकती है उसमें उस परेशानी से तो घबराना मत बहुत से लोग उसी परेशान जरा सी परेशान है या अल्लाह का इनकार करना शुरू कर दिया कहाँ अल्लाह हमसे क्यों वो काफिर तो मजे में हम तो मोमिन हैं अपने ईमान का एहसान जताना शुरू कर दिया अल्लाह पर हम तो ये भी करते हैं हम तो वो भी करते हैं सारे अमल गिनाना शुरू कर दिए पूरी फहरिस्श कर दी अब अगर अल्लाह कहे कि चलो तुम अपने नेक आमाल की फहरिस्त पेश मेरे सामने कर रहे हो कि मैंने तो ये भी किया मैंने तो वहाँ मदद भी की थी मैंने तो यहाँ नमाज भी पढ़ी थी मैंने तो फला काम अच्छा भी किया था तुम तुम कर रहे हो अगर मैं तुम्हारे गुनाहों की फहरिस्त पेश करना शुरू कर दूँ उसको तुम बर्दाश्त कर सकोगे तो इंसान ममिन होने के बाद यानी दावे ईमान के बाद छोड़ा नहीं जाएगा हो गया काम भाई हमने कह तो दिया ममिन अब क्या चाहिए हमसे जी नहीं अभी तो चाहिए तुमसे जब तक नहीं कहा था कि मोमिन है हो सकता तुमको इसी हाल पे छोड़ दिया जाता और क़्यामत में तुम्हारा हिसाब किताब होता लेकिन चूंकि तुमने कह दिया कि हम मोमिन हैं अब यहाँ इसी पॉइंट से जिस पॉइंट से तुमने कहा हम मोमिन हैं वहाँ से तुम्हारा इम्तहान शुरू हुआ अस के बस वो कहते हैं ज़बानी तौर पर हम मोमिन हैं उनका इम्तहान नहीं लिया जाएगा अरे तुमसे पहले भी तो लोग गुजरे हैं ना हमने उन सबका इम्तहान लिया है और लिया इसलिए है कि तुमने अभी क्या कहा था आमन्ना दावा किया था ना अल्लाह देखना चाहता है कि इस दावे ईमान में सच्चा कौन है झूठा कौन है इम्तहान होता है इम्तहान किसी भी स्कूल में कॉलेज में यूनिवर्सिटी में किस कोई भी बोर्ड है एग्ज़ाम का कोई भी इंस्टीट्यूशन है तालीम का उसमें एग्ज़ाम इसलिए लिया जाता है ताकि पता चले कि स्टूडेंट इल्म की किस मंजिल पर है क्योंकि नहीं मालूम है लिहाजा वो मालूम किया जाता है यहां ऐसा लग रहा है कि जैसे अस्तफर को मालूम ही नहीं अल्लाह जानना चाहता है कि तुम में कौन सच्चा है दावा ईमान में कौन झूठा है अल्लाह जानना चाहता है ये सूर्य अनकबूत की पहली दो तीन आयतें हैं तो अल्लाह जानना चाहता है तो अल्लाह जानता नहीं है अल्लाह ताकि अल्लाह जान ले नहीं अल्लाह को इल्म तो हर चीज का इल्म इलाही बहुत से लोग इल्म इलाही के ऊपर बहस करते हैं एक जुमला बीच में सुन लीजिए कभी मौका हो तो इस पर गुफ्तगू हो सकती है कि अल्लाह मुस्तकबिल को जानता है जब उसको पता ही है आगे क्या होगा तो हम तो मजबूर हो गए जब उसको पहले से मालूम है कि हम ये वाला गुनाह करने वाले हैं तो अल्लाह तो इल्म चेंज होता नहीं तो हम तो गुनाह करने वाले हैं इसलिए कि उसको तो उसके नॉलेज में है ऑलरेडी अब इसको इस बात को आप जितना भी समझाएं किसी की समझ में नहीं आता इसलिए कि आप इस इल्म को कंपेयर कर रहे हैं अपने इल्म से देखिए बहुत ही सिंपल इसका एक जवाब सुन लीजिए और उसके बाद हम अपने मौजू को ख़त्म करें तमाम करें आगे वो ये है कि अल्लाह का जो इल्म है हमारे इल्म में एक फ़र्क है जब ये कहते हैं अल्लाह को मुस्तबिल इल्म है या अल्लाह को गैब का इल्म है अगर आप इसके लिटरल मीनिंग ले रहे हैं रियल मीनिंग ले रहे हैं मुस्तबिल के और गैब के तो ये कुफर हो जाएगा अगर आप कहते हैं कि अल्लाह को गैब का इम है यानी छुपी हुई बातों का अल्लाह को इल्म है तो अगर आप इस छुपी हुई बात की नस्बत अल्लाह की तरफ दे रहे हैं कि अल्लाह को उस बात का इल्म है जो उससे छुपी हुई है तो ये कुफर भी हो सकता है इसका मतलब यह कि अल्लाह के लिए कोई शेय गैब नहीं है अब जब हम कहते हैं कि अल्लाह को इलम गैब है तो हमारी निस्बत से जो चीज गायब है उसको उसका इल्म है ऐसे ही मसला मुस्तकबिल का है फ्यूचर अल्लाह फ्यूचर जानता है क्या होगा फ्यूचर जानता है फ्यूचर अल्लाह के लिए फ्यूचर नहीं है ना अल्लाह के लिए पास्ट है पास्ट और फ्यूचर का जो नॉलेज है वो उन लोगों के लिए है कि जो टाइम स्पेस में बाउंड है उनके लिए कोई भी चीज फ्यूचर है उनके लिए कोई भी चीज पास्ट है हम जब ये कहते हैं कि अल्लाह को फ्यूचर का इल्म है अपनी नस्बत से कहते हैं अपने रिलेशन से कहते हैं गैप का इल्म है अपनी नस्बत से कहते हैं हम कहते हैं कि ये कुरान मौजज़ा है हाईएस्ट अब इससे आगे की कोई बात नहीं हो सकती हो सकती बताइए इससे अच्छा कोई कलाम हो सकता है बता दे कोई कुरान से अच्छा कोई कलाम हो सकता है मुजजा है मगर ये जो मुजज़ा है ये आखिरी है अब इससे अच्छा नहीं हो सकता ये हमारे लिए है ये हम अल्लाह से नहीं कह सकते अल्लाह इससे अच्छा कलाम नहीं पेश कर सकता तोजह है नहीं तो हर चीज़ें नस्बत से हैं रिलेटिव हैं रिलेटिविटी जो है उसको तस्वूर में रखिए शायद मैंने ज़रा कुछ दकी बात छेड़ दी लाही की ऐसा लगता है लेकिन बात बीच में आ गई तो कह दी अल्लाह जब मुकद्दर भी मुआयन करता है तो हमारे एतबार से कि कल क्या होने वाला है वरना उसके लिए कोई चीज़ कल नहीं है न ना ना गुजरी हुई उसके लिए कोई कल है न आने वाली उसके लिए कोई कल है उसके इल्म को हम टाइम में बाउंड नहीं कर सकते टाइम हमारे यहाँ बनता है सूरज के निकलने से और डूबने से वहाँ ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है उसके लिए पूरी कायनात एक ही शय है यहां से लेके वहां तक और उसमें हदे भी नहीं है हम अब हम कह रहे हैं यहां से वहां तक मशरक मगरब भी हम ही कह रहे हैं लिहाजा हम उसको कंपेयर नहीं कर सकते अपने इलम से जब अपने इल्म से कंपेयर करते तो इतना कंफ्यूज होते हैं कि आपको कितना भी कोई समझा ले मान ही नहीं सकते अक्ल में आ नहीं सकती लिहाजा शब कद में तकदीर बेशक बनती उसका ही कदर है लई लतुल कदर तनजर मलायरफिया बेबुल्ल अम्र हर अम्र तोयशुदा होकर अल्लाह की जानब से आता है उसरात में नाजिल होता है और फरिश्ते नाजिल होते रहते हैं एक कंटिन का सीगा है। मगर इसको ख्याल में रखना मैंने सिर्फ सूर्य अनकबूत की पहली और आखिरी आयतें पढ़ी इनको मिला लीजिए दरमियान में जितनी आयतें हैं उसमें तल्लु रिस्क का मोतहायात का जिक्र ये सब बातें जहन में इंसान रखे कि मैं जो पढ़ रहा हूँ सूर्यानकबूत ऐसे रूम में भी है ऐसी दुकान में भी है क्योंकि रिस्क अल्लाह मुन करने वाला है पूरे साल का तो पहले पढ़ लो जो मुन करने वाला है उसका किस चीज़ से ताल्लुक़ है हयात ज़िंदगी तय करने वाला है कि इसकी ज़िंदगी कितनी रहेगी इसको पहले पढ़ लो पूरे सूर्य को अल्लाह तुम्हारे तुम्हारी किस्मत में लिखने वाला है कि भाई तुम्हारे साथ क्या होने वाला है इस पूरे साल में तो हमने समझा कि बस अब हमको खुशी खुशी मिलने वाली है हमें तो कोई परेशानी बिल्कुल नहीं आने वाली है इसलिए कि हमने मसन आमाल किए कदर तो में हम बिल्कुल नेक थे अब बिल्कुल सही होगा सही होगा मगर वो नहीं जो आपकी नज़र में सही है वो होगा जो अल्लाह की नज़र में सही है अब अल्लाह की नज़र में क्या सही है हो सकता है अल्लाह की नज़र में यही सही है कि हम परेशान हो जाएं किसी मामले में हो सकता है अल्लाह की नज़र में यही सही है कि, हम कि हमें कुछ नुकसान हो जाए अरे ये कौन सा सही हुआ अल्लाह की नज़र में तुमको पहले ही पढ़वा दिया पहली आयत यही पढ़ो तीनों सूरों में पहली आयत ये पढ़ो कि तुम्हारा इम्तिहान हो सकता है तुम खुद को मोमिन कह के निकल नहीं सकते जब इम्तिहान हो सकता है तो इम्तिहान दो तो यानी इस तरह भी हो सकता है कि अल्लाह तुम्हारे रिस्क में बहुत इजाफा कर दे तुम तो खुश मत हो जाना कि अल्लाह बड़ा खुश है हमसे रिस्क तंग हो गया तो नाराज मत हो जाना अल्लाह हमसे नाराज है दोनों सूरतों में तुम्हारा इम्तिहान हो सकता है हम और जब इम्तहान है तो अब हमारा काम क्या है वीना जहादुफीना देखिए पहली आयत आखिरी आयत आदत वलिन जहादुफीना जो हमारी राह में जिहाद करते रहे मुसलसल जिहाद करें अब आजकल तो लफ्ज जिहाद इतना खतरनाक हो गया है कि उसको बोला कि जिहाद अरे मिंबर से बैठ के आज इन्होंने कोई दस मरतबा जिहाद कहा बस कान खड़े हो गए सबके जहाद वीन जाह जो हमारे राह में कोशिश करते हैं स्ट्रगल करते हैं सिक्सटी नाइन आयत आखिरी आयतुलना हम उनको सही रास्ते की तरफ हिदायत करते हैं यानी अब उनका डायरेक्शन सही होता है कि जो बच्चे हमारे ना हाई स्कूल करने के बाद काफ़ी कन्फ्यूज रहते हैं देखा होगा आपने कई कई बच्चे बेचारे एक एक दो दो साल के कोर्स करके कई बार बल्कि तीन चार साल का कोर्स करके भी बाद में वापस पलट के कोई और कोर्स करना शुरू करते हैं नहीं नहीं ये मेरे करियर के लिए सही नहीं है नहीं नहीं मैंने गलती की थी ये वाला कोर्स लेके क्यों इसलिए कि उनको डायरेक्शन नहीं मिलती पूरी जिंदगी इसी तरह इंसान की गुजर जाती है पूरी जिंदगी में इंसान अपने डायरेक्शन चेंज करता रहता है इसके लिए कोशिश की यहाँ नाकाम हुआ दूसरी कोशिश की वहाँ नाकाम हुआ अल्लाह कह रहा है कि अगर तुम हमारी राह में कोशिश करो इसके बजाय कि तुम सिर्फ दुनिया की राह में कोशिश कर रहे हो अगर हमारी राह में कोशिश करो ललाम सबुल्लना हम तुमको ट्रैक पर रखेंगे तुम ट्रैक से हटोगे नहीं तुम किसी मौके पर भी सही रास्ते से हटोगे नहीं सिरा मुस्तकीम पर तुम्हारे कदम डगमगाएंगे नहीं सुबुलना व लन्दी सब और न सिर्फ ये देखे अजीब बात है हिदायत की दो किस्म बात खत्म कर रहा हूँ मैं हिदायत की दो किस्म एक हिदायत है आपने कहीं से पूछा कि भाई बताइए हुसैनी का रास्ता किस तरफ है तो उन्होंने इशारा कर दिया भाई आप ऐसे ही जाइएगा राइट लीजिएगा वहाँ से लेफ्ट लीजिए वहाँ से सीधे चलिए फिर एक रेड लाइट आएगी वहाँ से राइट वहाँ से लेफ्ट और उसके बाद फिर आप वहाँ पहुँच जाएंगे डायरेक्शन दे दिया ये एक तरीका है एक साहब साथ आपने पूछा हुसैनी का कुछ रास्ता आप बताएंगे का हुसैनी आइए मैं आपको पहुँचा देता हूँ तोज् कीजिएगा अल्लाह की रहमत मुलायद फरमाए इस आखिरी आयत में जो हमारी राह में जो हमारी राह में कोशिश करते हैं कोशिश तो करो अल्लाह के लिए हर काम अल्लाह के लिए क्या मतलब कैसे अल्लाह की राह में कोशिश करें अरे आप जॉब कर रहे हैं कीजिए जॉब खूब पैसा कमाइए इसमें नीयत अल्लाह की राह की रखिए आप बिजनेस कर रहे हैं किसने का मत करो जरूर वही बिजनेस करो जो कर रहे हो वही वही वह वाला अल्लाह के कुरान ने अगर मना किया है शरीयत ने मना किया है वो ना करो लेकिन अगर हलाल बिजनेस कर रहा हो वो करो कौन करा कि जब चौबीस घंटे नमाज पढ़ो ये किसने कहा चौबीस घंटे नमाज पढ़कर अल्लाह की राह में जिहाद नहीं है ये जिहाद क्या है यही जो तुम रिस्क कमा रहे हो यही जो तुम मेहनत कर रहे हो यही जो तुम जॉब कर रहे हो यही जो तुम कॉलेज जा रहे हो वहां पर स्टडी कर रहे हो यही यही दुनिया के तहत मगर नीयत अपनी अल्लाह के लिए रखो ऐसा करोगे तो क्या होगा तुम्हें अल्लाह रास्ते दिखाएगा दिखाएगा नहीं लेना हदीन हम उसको हिदायत करेंगे या अल्लाह कौन सी वाली हिदायत करेगा सिर्फ दिखाने वाली राइट लेफ्ट का नहीं इन अलामोहन अल्लाह मोहसिन के साथ रहेगा भाई साथ रहेंगे तो भटकने के चांसेस कहाँ रह जाते हैं सलाह दे जो मोहम्मद यह है कुरान का कमाल इन लमोहसिन बस बात यहाँ तक आ गई अब मैं एक जुमला कह दूँ आपके सामने मोहसिन के साथ है और कुछ मोहसिन के साथ अल्लाह ऐसा होता है क्योंकि उन्होंने जिहाद ऐसा किया जिहाद शान से किया कि मुस्तकिल अल्लाह उनके साथ है और वो अल्लाह के साथ है। वो अल्लाह से जुदा नहीं वो अल्लाह उनसे जुदा नहीं इस हद तक साथ हुए अल्लाह के और अल्लाह उनके के अब जो मोमिन है उसके जिहाद और कोशिश और स्ट्रगल और स्ट्राइविंग का जो हदफ और टारगेट और गोल बना वो क्या बना यानी कुंतु माकुम काश में आपके साथ हो जाता क्यों आपके साथ हो जाता इसलिए कि मालूम है कि आप उन मोहसिन में है जिनके साथ अल्लाह है तो मैं आपके साथ होने की ख्वाहिश इसलिए कर रहा हूं कि मुझे यह शुभा नहीं है कि आपके साथ अल्लाह है अगर मैं किसी और के साथ हो गया तो पता नहीं उसके साथ अल्लाह है कि नहीं है लेकिन काश में आपके साथ होता हुसैन पर जान देने वालों इसलिए कि तुमने जिहाद ही ऐसा किया तुमने स्ट्रगल ही ऐसा किया अल्लाह के राह में तुमने अल्लाह के राह में जिस शान का जिहाद किया है उसके बाद अब क्या शक रह जाता है कि अल्लाह तुम्हारे साथ है लिहाजा अब हम एक ही ख्वाहिश कर सकते हैं हमें पता नहीं अल्लाह हमारे साथ होगा कि नहीं मालूम नहीं हम मोहसिन के साथ होंगे कि नहीं पता नहीं हमारा स्ट्रगल कबूल है कि नहीं लेकिन हम इतना कर सकते हैं हम ये दुआ करते रहें या अल्लाह हमें उनके साथ कर दे जिनके साथ तू है ये है करबला ये है वो मंजिल और जब इंसान अपने गोल को मुन कर लेता है ना उसके बाद उसे कोई मुसीबत मुसीबत नज़र नहीं आती उसके बाद उसकी एक मंजिल है एक टारगेट है करबला वालों ने एक ही जहन में तस्वूर रखा हुआ था हम दीन, अल्लाह के दीन की हिफाजत के लिए जा रहे हैं अब इस दीन के लिए हमें अपनी जान भी देनी है औलाद भी देनी है कुर्बानी देनी है कोई शे और कुर्बानी जो है यह कुर्बानी तकलीफ का एहसास करते हुए नहीं देनी है खुशी खुशी देनी है शब आशूर कितनी बड़ी रात है ये पूरी रात गुजरी है इबादत में मगर साथ ही साथ इस इंतजार में कि कब शहर हो जाए बड़ी लंबी रात हो गई आज कल का इंतजार है जितने हैं कल आने का इंतजार कर रहे हैं मुकाबले पर जो दूसरी फौज है वो खौफजदा है कि कल क्या होने वाला है छोटी सी फौज से, से खौफजदा है मगर ये हैं जो कल के इंतज़ार में हैं क्यों इसलिए कि उन्होंने एक टारगेट मुयन किया है दीन की खिदमत और जब दीन की खिदमत है तो ना हमारी ज़ात है ना हमारी औलाद है ना हमारे हम ह, अब हमारे लिए कोई भी शे हमारी नहीं जो कुछ है वो दीन की है शरीयत की है अल्लाह की है और यही वो मंजिल आती है कि जब इंसान अपनी जान दे देता है करबला में अल्लाह अकबर हर उम्र आपको मिलेगी ताकि कोई ये ना कह दे कि मैं क्या करूं कहा तुम क्या करो वही करो जो करबला वालों ने किया अब कोई ये ना कह दे कि करबला वालों में अब मेरी उम्र का कोई हो तो मैं देखूं कि क्या किया हर उम्र आपको मिलेगी छह महीने के बच्चे से लेकर अस्सी और चौरासी साल के जईफ बूढ़ों तक आपको हर मिसाल मिल जाएगी कुर्बानी की कि जब अल्लाह इम्तिहान लेता है तो इम्तान में कामयाबी के लिए किस तरह साबित कदम रहना है ये करबला वाल ने हमको बताया कि जब हुसैन की हुसैन की जान बचाने के लिए और दीन बचाने के लिए अपनी जान देने के लिए आए तो अब एक हदफ है हुसैन बच जाए दीन बच जाए हालांकि हुसैन खुद अपनी जान देने के लिए आए थे अब अस्सी साल का एक बूढ़ा है मुस्लिम इब्न औसजा जो मैदान जिहाद में आया तो जैसे आया तो किसी ने कहा कि ये बूढ़ा क्या जंग करेगा जैसे ये बात सुनी कि ये बूढ़ा अस्सी साल का ये क्या जंग करेगा तो कहा नहीं मैं तुमको बताता हूँ हुसैन से मोहब्बत करने वाले और अल्लाह की राह में कोशिश और स्ट्रगल करने वाले बूढ़े नहीं होते बुढ़ापा ओफ़ का नाम है बुढ़ापा ज़यफ़ी का नाम है हमारे ज़यफ़ी नहीं है क़ुव्वत ही क़ुव्वत है एक है कि उन्होंने अपने रुमाल से अपनी अपनी आँखों पर अपनी पेशानी पर अपनी भवों को बुलंद किया वो भवें जो आँखों पर पड़ चुकी थीं बुढ़ापे की वजह से उसको रुमाल से बांध के अपनी कमर को रुमाल से बांधा और बांधने के बाद अपने साथियों से पूछते हैं जवान लग रहा हूँ ना मैं अल्लाह अकबर क्या इश्क शहादत है और उसके बाद जंग करते हैं और बहुत से नारियों को फिर नार करने के बाद अब जब ज़मीन पर गिरते हैं और हुसैन आते हैं उसी तरह जैसे हर शहीद के हर शहीद के लाशे पर हुसैन पहुँचे हैं इसी तरह अपने इस सहाबी के लाशे पर पहुँचते हैं जब पहुँचे तो क्या देखा आखिरी रमक बाकी है और ये जो आखिरी रमक बाकी है अब देखें इश्क इन इन में जो इश्क़ है अहल बैत का इश्क है हुसैन का इश्क है और वो इश्क़ है और वो टारगेट जो उन्होंने इतने जहन मुयन किया हुआ है साथ में हबीब में मज़ाहिर भी चले जाते हैं जैसे ही हबीब साथ में आए क्या देखा आखिरी सांसें ले रहे हैं मुस्लिम ने सजा बस एक मतलब खड़े होके मुस्लिम से कहा मुस्लिम तुम आगे जा रहे हो हम तुम्हारे पीछे पीछे आ रहे हैं तुम्हें मुबारक हो शहादत कि तुमने अपनी जान हुसैन के लिए दे दी दुआ करो मैं भी साबित कदम रहूं तुम्हारी तरह मैं अपनी जान हुसैन के लिए दे दूं मगर दुनिया का कायदा है कि मरने वाले से वसीयत पूछी जाती है तुम्हारे बच्चे भी हैं यहाँ तुम्हारे घर वाले भी हैं यहाँ तुम्हारी बीवी भी है इस यहाँ इसी मजमे में ऐसी अहले हरम के साथ अगर तुम जाते जाते उनके लिए कोई वसीयत करना चाहते हो उसूल यही है कि मरने वाले से वसीयत पूछी जाती है उसकी तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ अगर कुछ वसीयत करना चाहते हो तो हमको बताओ कि तुम्हारे जहन में क्या है मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे घर वालों के लिए ज़ख्मी मुस्लिम ने सजा ने जिसम की पूरी ताकत को समेटा और समेटने के बाद एक मरतबा इशारा किया हुसैन की तरफ और इशारा करके कहा आलई कभी ए हबीब मुझसे पूछ रहे हो मेरी वसीयत क्या है वसीयत ये हुसैन का साथ न छोड़ना आखिरी लम्हे तक हुसैन के साथ रहना आंखों में आंसू आ गए हबीब के मुस्लिम आखिरी लम्हे में भी हुसैन का ख्याल क्यों नहीं हुसैन ने इस मोहब्बत को देखा एक मरतबा हबीब को देखा मुस्लिम को देखा मैं कहता हूँ हुसैन को यह मंज़र उस वक्त बहुत याद आया होगा जब घोड़े ज़मीन पर गिरे हैं और अब कोई नहीं रह गया है साथी

परदगार जहाँ जहाँ जहाँत के चाहने वाले हैं उनको अमनमान और सुकून करामत फरमा इस मजलिस का सवाब हुसैनी बेगम मरहुमा की रूह को ईसाल फरमा परवरदगार उनके फ़रजंदों को सब्र सब्र जमील करामत फरमा और जो अच्छे बच्चे उन्होंने तरबियत करके कौम को दिए हैं परवरदगार इनके नेकियों का सवाब इनकी माँ को पहुँचता रहे खुदांदा उनको जवान मासूमिन में जगह कर फरमा दानदा तुज अहबैद तहरीन का वास्ता हमको इताात अहबैद की तोफ़ी करामद फरमा उनका इश्क व मोहब्बत हमारे दिलों में इजाफ़ा होता रहे अपनी आखिरी तमारे आखिरी इमाम के जहर में ताजिल फरमा उनके आउन अनुसार में दाखिल शामिल फरमा ईरान में जो अभी जलजिला आया है उसमें कई सौ गाँव मुतासर हुए हैं अभी तक कि आज शाम तक की खबर थी कि ढाई सौ से ज़्यादा ममिन शहीद हुए हैं और ढाई हज़ार करीब लोग जख्मी हुए हैं तो दुआ फरमाएँ कि परवरदगार इन तमाम मुमीन की मदद फरमाए जो ज़ख्मी हैं अल्लाह उनको सेहत व शफा कर आमद फरमाए जो परेशान हो गए हैं इस ज़लजली अल्लाह उनकी परेशानी को दूर कर दे और जो इस, इस में जहाँ बहक हो गए हैं परदगार जवार मासूमी उनको जगह कर आमद फरमाए उनकी मफ़रत फरमाए आपसे गुजारिश है कि एक बार और एक शुरह पढ़ कर हुसैनी बेगम मरहुमा और इस जिले में शहीद होने वाले ममिन और दीगर तमाम जगहों पर बहरेन वतीीफ़ों लबनानो इराकों पाकिस्तान और और शाम में जो ममिन जुर्म महबत अहलबैत में शहीद हो रहे हैं उनके लिए एक शोर फातह पढ़कर हज़ार